दुकान की आरसी काट दूंगा और उन्हें ट्रक के पीछे जोड़ दूंगा। वह फिर जिस तरह कुतिया पहुंच गई थी ना मजे मजे में लाहौर, वह लाहौर पावेगी इतना फिर मेरा लग जाए इतना आरसी। आरसी में क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट को सीज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे आरसी के बारे में। अगर आपने कोई भी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई भी अनसिक्योर लोन ले रखा है, फिर वो भले ही 1 लाख का है, 5 लाख का है, 50 लाख का है, कितने भी अमाउंट का आपका लोन है, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आरसी उसकी कैसे कटवा सकती है, आरसी की फुल फॉर्म क्या है ये जानेंगे। आरसी की फुल फॉर्म है रिकवरी सर्टिफिकेट। आरसी जो होती है वो अनसिक्योर लोन के ऊपर लागू होती है। अब ये आरसी किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कटवा सकता है और कहां से ये परमिशन लेके आते हैं। अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है और 5-10-20 हो गई हैं, आप पैसा दे ही नहीं पा रहे हो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, तो ये आपके जहां भी आप रहते हैं वहां 97 एसडीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई ये आदमी मारे पैसे जानबूझ के नहीं दे रहा। भले इनको पता भी हो कि भाई आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोना की वजह से करोड़ों आदमी इसके जाल में फंस चुके हैं, उनकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई है, लेकिन ये वहां यही लिख के देंगे। तो वहां से आदेश आ जाएंगे, ऑर्डर आ जाएंगे कि वहां से आरसी आपकी कट जाएगी, रिकवरी सर्टिफिकेट। वो एसडीएम साहब आदेश दे सकते हैं तहसीलदार साहब को या नायब तहसीलदार साहब को, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, रजिस्ट्रार भी इनको कहते हैं और पटवारी भी आ सकता है, या यूपी में अमीन बोलते हैं और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। अब आरसी में ये क्या कर सकते हैं, आरसी कटने के बाद आपकी जो अचल संपत्ति है उसको जब्त नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, अचल संपत्ति मीन्स जो संपत्ति प्रॉपर्टी आपकी चल नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल भाई ये कोठी है मेरी, जब मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो मेरे साथ थोड़ी चलेगी है, मैं यहां था मुंबई चला जाऊं मेरे साथ थोड़ी, एग्रीकल्चर लैंड है वो मेरे साथ नहीं जा सकती। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, वो स्थिर है एक जगह, वो चल नहीं सकती। अचल संपत्ति को कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आरसी कटवा के रिकवरी सर्टिफिकेट करवा के उसकी एक्शन नहीं कर सकता, बोली नहीं कर सकता, उसको जब्त नहीं कर सकता। हां क्या कर सकता है आरसी में, एक चीज और, लोग कहते हैं जी आरसी कट गए तो पंखे ले जाएंगे, एसी ले जाएंगे, कूलर ले जाएंगे, सोफे ले जाएंगे। अब बोली त्रेड, कल को ये कहेंगे तेरे बच्चों को भी ले जाएंगे, आरसी कट गई मारिन की दुकान पे ठूट, आरसी कट गई दुकान की आरसी काट दूंगा और उन्हें ट्रक के पीछे जोड़ दूंगा। वह फिर जिस तरह कुतिया पहुंच गई थी ना मजे मजे में लाहौर, वह लाहौर पावेगी इतना फिर मेरा लग जाएगा इतना आरसी। आरसी में क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट को सीज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो आदेश दे सकते हैं एसडीएम साहब उस बैंक को, भले ही उस बैंक में आपके पैसे ना हो, भाई जिसको आपने लोन देना था अब आपने वो अकाउंट बंद कर दिया, आपने और किसी अन्य अकाउंट में अपने पैसे डाल रखे, तो वो जो एसडीएम साहब हैं वो किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में, वो हाइड नहीं हो सकता। क्यों? अरे पैन कार्ड आधार कार्ड लग रहे हैं यार, जैसे ही नंबर डालेंगे वो एक मिनट में शो हो जाएगा। अब वो पैन कार्ड आधार कार्ड तो आपने दिया था भाई साहब जब लोन लिया था, अमरदीप कादियान थोड़ी दे गया था उनको, तो वो एक मिनट में पता कर लेते हैं भाई इसका अकाउंट। वो वहां आदेश पारित कर सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं बैंक को, और उसको मानने पड़ेंगे कि भाई इसका अकाउंट सीज कर दे, हालांकि आपने उस बैंक के पैसे नहीं देने हैं, लेकिन वो उसको सीज कर देगा। अब आपके उसमें 50 करोड़ रुपए भी पड़े हैं तो 50 रुपए उसमें से निकलेंगे नहीं। अब लोग क्वेश्चन ये करते हैं, टेलीफोनिकली हमारे साथ जुड़ते हैं, सर क्या मेरी वाइफ की भी आरसी काट देंगे, क्या उसके अकाउंट को भी सीज कर सकते हैं? उसका जवाब है नहीं और हां भी। हां कैसे? अगर आपने अपनी वाइफ को गारंटर बना रखा है लोन में तो उसकी भी आरसी काट सकते हैं, या अपने मां बाप, भाई बहन, बच्चों को गारंटर बना रखा है
जिसको भी गारंटर बना रखा है उसके अकाउंट को ये सीज कर सकते हैं। मतलब चल संपत्ति जो चल सकती है उसके ऊपर ये कार्रवाई कर सकते हैं, अचल संपत्ति के ऊपर कोई कार्रवाई कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नहीं कर सकता। अब लोग कहते हैं कि सर ये मेरे पास गाड़ी है, स्कूटर है, कार है, बस है, ट्रक है, मैं इसकी तो ईएमआई भर रहा हूं और मेरी आरसी कट गई, अब क्या है मेरी गाड़ी जब्त कर लेंगे? भैया तो चल संपत्ति है, चल सकती है गाड़ी तो। अरे नहीं भाई, वो राइट्स उस बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास है जहां से आपने लोन ले रखा है, जहां से आपने लोन लिया सबसे पहले उसके अधिकार है, राइट्स हैं, मालिकाना हक जो है वो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ही पास है जहां से आपने लोन ले रखा है। फिर भले आपने 50 लाख रुपए का ट्रक ले रखा है और अब रह गए 2.5 लाख रुपए उसके देने हैं, अब भी मालिक वो बैंक और एनबीएफसी कंपनी है। आप अपनी आरसी को पीछे करके देखो, उसमें एचपीए चढ़ी हुई है, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। जब तक आपका उस गाड़ी पे लोन है तो वो ले ही नहीं सकते आपकी गाड़ी को। तो आप डरे घबराए नहीं, आरसी का मतलब मैं डिटेल में समझा चुका हूं। उसके अलावा भी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप कमेंट कर दें, उसका जवाब आपको 100% दिया जाएगा। जब भी मैं ऑनलाइन होता हूं उसका जवाब जरूर देता हूं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो आपको यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखनी है, आगे डिसेंटेड वाई लिखना है, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का नोटिस आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का नोटिस आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का नोटिस आ रहा है, रिकॉल नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन नोटिस आ रहा है, 138 का नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो लेके सभी आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस पे डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। एक बार प्यार से मिलके जोर से नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।